गुड इवनिंग हमारे क्लास 9-10 के प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे ट्रांसलेशन से बोर्ड परीक्षा में 2016 से 2020 के बीच में जो आए हुए पैसेज हैं, आज की क्लास में हमने उसे सॉल्व करने हैं। तो भैया, आपके बोर्ड परीक्षा में आपको पता है हिंदी में एक पैसेज दिया होगा, उसको आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, हिंदी में आपको एक पैसेज दे दिया गया है और इसी को आपको अंग्रेजी में ऐसे आपको ट्रांसलेट करना होता है। तो भैया, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और पिछली क्लास में हमने 2.5 घंटे की क्लास ट्रांसलेशन के लिए टेंस की और उसमें पूरा ट्रांसलेशन एक ही क्लास में कंप्लीट कर चुके हुए हैं। तो आपने अगर उस क्लास को नहीं देखे हुए तो आप उस क्लास को देखिए, उसके बाद इस क्लास की आज की क्लास के बाद आपको ट्रांसलेशन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में जैसे पैसेज आए हुए पूरे का सॉल्यूशन कराएंगे और आपको दिखाएंगे कितना इजी आपके बोर्ड परीक्षा में आता है। तो आज की क्लास प्यारे बच्चे 5 नंबर पक्का करने वाली क्लास है, एकदम ध्यान से केवल आप सुनिए, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, केवल आप क्लास को अटेंड करिए, ध्यान से सुनिए। तो प्यारे बच्चे जल्दी से क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि आपकी ग्रामर की 37 मींस क्लास नंबर 37 है, मींस अब तक आपकी 36 क्लास ग्रामर की हो चुकी है, जिसमें हमने आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंस करा चुके हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंस मींस सब्जेक्ट प्रेडिकेट करा चुके हैं, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक करा चुके हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करा चुके हैं, वॉयस मींस एक्टिव पैसिव वॉयस करा चुके हैं, पंक्चुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, स्पेलिंग कंप्लीट करना आपको सिखा चुके हैं और आपका ट्रांसलेशन की टेंस की मींस क्लास हो चुकी है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। तो यदि आप क्लास 10th में होंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें अब तक जितनी क्लासें चली हुई हैं ग्रामर की सारी क्लासें शेड्यूल वाइज लगी हुई होंगी, जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप क्लास 9th में होंगे तो भी आपकी 9th की ग्रामर की अलग से प्लेलिस्ट बनी है, आप 9th की ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाकर के जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो भैया जल्दी से शुरू करते हैं, पहला पैसेज देखते हैं। 2016 में ए यूपी बोर्ड के बोर्ड परीक्षा मींस क्लास 10th के बोर्ड परीक्षा में 2016 में यही आपका पैसेज आया हुआ था। तो प्यारे बच्चे इस पैसेज को देखते हैं। पैसेज आपका है, इलाहाबाद एक ऐतिहासिक नगर है, यह शिक्षा का केंद्र है, यहां उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, गंगा और यमुना नदियां यहां मिलती हैं। तो प्यारे बच्चे यही 4-5 लाइन आपको इसी तरह से छोटा सा पैसेज देगा, इसी को आपको ट्रांसलेट करने होते हैं। तो जल्दी से अब हम लोग इसे ट्रांसलेट करते हैं और ट्रांसलेट करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और ये जिम्मेदारी प्यारे बच्चे आपकी है, क्लास 9 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर करोगे और खास करके जो बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं क्लास 10th के बच्चे, उन हर एक बच्चे तक तो आप वीडियो को श्योर जो है आप शेयर करोगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब सारी क्लासें आपको महत्वपूर्ण क्लासें मिल रही हैं तो इसलिए सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर और किया करो प्यारे बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप देखिए यहां पर आपका कैसे करने होंगे, इलाहाबाद एक ऐतिहासिक नगर है, पहले इसे चेंज करो, तो इलाहाबाद एक ऐतिहासिक नगर है तो इसे कैसे चेंज कर दोगे, इलाहाबाद इज अ ऐतिहासिक मींस हिस्टोरिकल, नगर मींस हो जाएगा सिटी, तो इलाहाबाद इज अ हिस्टोरिकल सिटी हो जाएगा। देखिए हमने यहां पर लिखे हुए होंगे इलाहाबाद इज अ हिस्टोरिकल सिटी। अब दूसरी लाइन देखिए, यह शिक्षा का केंद्र है, यह के लिए क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इलाहाबाद की बात हो रही है, यहां ही या फिर और कुछ नहीं होगा, दे की बात किसी की बात नहीं होगी, यह शिक्षा का केंद्र है, यह मिस किसकी बात हुई, इलाहाबाद की बात हुई, इलाहाबाद आपका नॉन लिविंग थिंग्स है एक तरह से कह सकते हैं, तो आप इसके लिए इट का प्रयोग करोगे, इट, यह शिक्षा का केंद्र है मींस इट इज सेंटर, केंद्र मींस होता है सेंटर और शिक्षा का मींस एजुकेशन, इट इज सेंटर ऑफ एजुकेशन, हम इसे बोलेंगे यह शिक्षा का केंद्र है मींस इट इज सेंटर ऑफ एजुकेशन, यहां पर देखिए मैं लिखे हुए होंगे इट इज सेंटर ऑफ एजुकेशन, यह शिक्षा का केंद्र है, इट हमने जो है इलाहाबाद के लिए प्रयोग किए हुए हैं, इट इज यह है सेंटर मींस केंद्र ऑफ एजुकेशन मींस शिक्षा का यह केंद्र है। आगे देखिए यहां उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, तो प्यारे बच्चे इसे दो प्रकार से कर सकते हैं, एक दियर से आप स्टार्ट कर सकते हो या एक हियर से स्टार्ट कर सकते हो, तो अगर आपको हियर से स्टार्ट करने हैं तो आप ऐसे करोगे, आपका पहले दियर से स्टार्ट करो,
तब उसके बाद हियर से देयर इज हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हियर, ऐसे कह सकते हो देयर इज हाई कोर्ट, यहां पर हाई कोर्ट है ऑफ उत्तर प्रदेश मींस उत्तर प्रदेश का, हियर मींस यहां, यहां पर आपका उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है। अगर आपको देयर से नहीं शुरू करने हैं तो जो हमने आर वाले कॉन्सेप्ट लिखे हुए इस चीज को ध्यान दीजिए, हियर इज हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, सिंपल आप इसी तरह से लिखो, हियर मीन्स यहां हो गया, हियर इज यहां है, क्या है हाई कोर्ट है, तो हियर इज हाई कोर्ट, और कहां का हाई कोर्ट है ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है, तो सिंपल से लिख दो हियर इज हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, यहां उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है। अब आगे देखिए, गंगा और यमुना नदियां यहां मिलती हैं, तो गंगा एंड यमुना नदी, अब भैया गंगा मीन्स आपका गंगा नदी हो गया, यमुना यमुना नदी हो गया, मीन्स दी गंगा एंड दी यमुना नदी, यमुना रिवर, रिवर्स नदियां है ना, तो रिवर्स दी गंगा एंड दी यमुना रिवर्स, आप ध्यान देना हमने गंगा और यमुना के पहले दी का प्रयोग क्यों किए हुए हैं, क्योंकि आपको पता है रिवर्स के पहले कोई भी नदी है उसके पहले आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे दी गंगा एंड दी यमुना रिवर्स यहां मिलती हैं, तो क्या हो जाएगा यहां मिलने का क्या हो जाएगा मीट हियर। अब एक बात ध्यान देना हमने मीट्स का प्रयोग क्यों नहीं किए, यहां पर देखो लिखे हुए होंगे दी गंगा एंड दी यमुना रिवर्स मीट हियर, बस ध्यान देना ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नीचे है, मिलती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और रिवर्स यहां पर आपका क्या दिख गया दी गंगा एंड दी यमुना रिवर्स है, मीन्स प्लूरल है, प्लूरल के साथ यस या यस नहीं लगाएंगे, तो इसलिए मीट में यस या यस नहीं लगाए, डायरेक्ट मीट लिख करके आगे लिख दिए, तो सिंपल हो गया दी गंगा एंड दी यमुना रिवर्स मीट हियर हो गया, यहां पर मिलती है। तो प्याची आपने देखा एक छोटा सा पैसेज था, आपने आसानी से सरल शब्दों में आपने बना करके लिख दिया, आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया, पांच नंबर फिक्स हो गया, ऐसे आपको पांच नंबर मिल जाएगा। इससे इजी बताओ जो हमने पूरा टेंस पढ़ा दिया, टेंस से पूरा आपको पढ़ाए तो कहीं इसमें बताओ कोई दिक्कत हुई, बस आपको वर्ड में नहीं हो सकता हो कुछ फंसा सकता हो, जैसे आपका हिस्टोरिकल सिटी ऐतिहासिक नगर मीन्स हिस्टोरिकल सिटी, आपको ऐसी वर्ड में नहीं कुछ फंस सकती है, और ए बी वर्ड में नहीं की भी समस्या दूर हो जाएगी, आपके सीरीज में जितना दिया हुआ है, आपके जो प्रीवियस ईयर में आई हुए जो है आपके ए पैसेज हैं उन्हें सॉल्व कर लीजिए, मैक्सिमम आपकी जो है वर्ड पावर भी सुधर जाएगी, आपके पावर की बात समस्या नहीं होगी। ये पैसे आपका पहला पैसेज हो गया, देखिए यही आपका पहला पैसेज का ट्रांसलेशन हो गया, इसी तरह से आपको ट्रांसलेशन हेडिंग डाल करके इसी तरह से लिखना होगा, इलाहाबाद इज अ हिस्टोरिकल सिटी, इट इज अ सेंटर ऑफ एजुकेशन फुल स्टॉप, देयर इज अ हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हियर आर, या फिर इसे एसएल भी लिख सकते हो, हियर इज अ हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, और उसके बाद दी गंगा एंड दी यमुना रिवर्स मीट हियर। तो सिंपल सा पैरचे पहला आपका पैसेज कंप्लीट हुआ। अब हम लोग 2017 के यूपी बोर्ड के पेपर पे चलते हैं, और पैरचे हर बोर्ड के पेपर में जो है हमने एक एक पैसेज उठाए हुए हैं, जैसे अगर हम 2016 की बात करें 2016 के बोर्ड पेपर में कई पैसेज आए हुए थे, और कई पैसेज कैसे हो जाते हैं क्योंकि वो पेपर जो बनता है एक सेट पेपर का नहीं बनता है, कई सेट बनते हैं, और कई सेट में मीन्स हर सेट में अलग अलग पैसेज दिए हुए होते हैं, तो इसलिए एक सेशन में आपके 5-7 आपको देखने के मिल जाते हैं, पैसेज आपको 5-7 मिल जाते हैं, यो इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग पेपर कैसेट होता है तो अलग अलग उसमें पैसेज आए हुए होते हैं, तो लेकिन हमने एक एक उठाए हुए हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है और जहां से आप इजीली समझ सकते हैं चीजों को, वो उसे हमने उठाए हुए हैं। अब देखिए पैसेज नंबर 2 आपका है, मेरे अंग्रेजी, ये आपका 2017 यूपी बोर्ड में आया हुआ है, मेरे अंग्रेजी अध्यापक एक आदर्श अध्यापक हैं, तो भैया मेरे अंग्रेजी अध्यापक एक आदर्श अध्यापक हैं, तो इसको कैसे करोगे, माय इंग्लिश टीचर, मेरे इंग्लिश टीचर मींस मेरे इंग्लिश अध्यापक इज मींस है एन आइडियल टीचर, मींस एक आदर्श अध्यापक हैं, मेरे इंग्लिश के टीचर एक आदर्श टीचर हैं, तो आपने क्या कर दिया, माय इंग्लिश टीचर इज एन आइडियल टीचर, आइडियल मींस होता है आदर्श, मेरे इंग्लिश के टीचर एक आदर्श टीचर हैं, इसका एक पहली लाइन का आपने कंप्लीट कर लिया, इसमें सिंपल सा बस इसका प्रयोग था और कुछ नहीं था, एकदम बेसिक सा ट्रांसलेशन पूछता है, कोई बहुत टॉप वाला ट्रांसलेशन नहीं पूछ देता है क्लास 10th में, तो इसलिए आप लोग एकदम ध्यान से दिमाग इत्मीनान किए रहेंगे, आसानी से कर लेंगे। दूसरा इसमें देखिए दूसरी लाइन, वे बड़े लगन से विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, अब भैया वे बड़े लगन से विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, क्या हो जाएगा, वे के लिए मींस ही की बात हो रही है, टीचर की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, अब वे मींस दे नहीं कर देंगे, दे नहीं कर देंगे, हम ही लिखेंगे क्योंकि वे मींस हम टीचर की बात कर रहे हैं, तो ही
टीचेज आप पढ़ाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो क्या हो जाएगा, ही टीचेज, यस लग जाएगा, ही सिंगुलर है तो इसके साथ यस लग जाएगा, ही टीचेज द स्टूडेंट्स, वे छात्रों को पढ़ाते हैं विथ ग्रेट डिवोशन, डिवोशन मींस होता है लगन से, वह पूरे लगन से छात्रों को पढ़ाते हैं, तो सिंपल हमने बता दिया, ही टीचेज द स्टूडेंट्स विथ ग्रेट डिवोशन, डिवोशन मींस होता है लगन, बस यही वर्डिंग आपको कुछ फंसा सकती है, बाकी कहीं दिक्कत नहीं होगी, तो ही टीचेज द स्टूडेंट्स विथ ग्रेट डिवोशन, वह पूरे समर्पण के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं। आगे की लाइन देखो, वे बहुत ही स्वानुशासित हैं, स्वानुशासित मींस हो जाएगा डिसिप्लिन्ड, मींस अपने आप को अनुशासित रखना, वही है स्वानुशासित, तो वह बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, कर्तव्यपरायण, कर्तव्यपरायण, कर्तव्यपरायण मींस ड्यूटीफुल हैं, एंड जो है परिश्रमी, परिश्रमी मीन्स लेबोरियस हैं, तो प्यार ये क्या हो जाएगा, वे बहुत ही स्वानुशासित, कर्तव्यपरायण तथा परिश्रमी हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, ही इज मीन ही इज, वे है वेरी सेल्फ डिसिप्लिन्ड मीन्स आत्म जो है शासित मीन्स स्वानुशासित, तो ही इज वेरी सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो गया, कामा ड्यूटीफुल, कर्तव्यपरायण है, एंड लेबोरियस और मेहनती है, तो वही देखिए हमने लिखे हुए होंगे, ही इज ए वेरी सेल्फ डिसिप्लिन्ड, वह बहुत स्वानुशासित है, सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, ड्यूटीफुल, कर्तव्यपरायण है, एंड लेबोरियस और मेहनती है, तो आपने सिंपल से इसके प्रयोग कर दिए, ही इज ए वेरी सेल्फ डिसिप्लिन्ड, ड्यूटीफुल एंड लेबोरियस, बस आपको ये परेशान कर सकता है, सेल्फ डिसिप्लिन मीन्स स्वानुशासित, ड्यूटीफुल मीन्स कर्तव्यपरायण, लेबोरियस मीन्स मेहनती, तो आपको ये वर्डिंग तो ध्यान देना पड़ेगा, ये वर्ड पावर तो आपको पास होनी चाहिए, और वर्ड पावर इसीलिए बार बार करें, प्रैक्टिस कर लेना जो आपके सीरीज में और जो आपके प्रीवियस ईयर में जो सारे प्रश्न आए हुए हैं, सारे पैसेज आए हुए हैं, बस उतने का प्रैक्टिस कर लेना। आगे देखिए, वे तन्मय होकर शिक्षण कार्य करते हैं, तो तन्मय मीन्स क्या हो जाएगा, हॉट एंड सोल, तन्मय मीन्स पूरी तरह से मीन्स हॉट एंड सोल कह सकते हो, पूरी तरह से, तो क्या हो जाएगा, ही डज द टीचिंग वर्क, वह शिक्षा का काम करते हैं विथ हर्ट एंड सोल मीन्स पूरे तन्मय के साथ, हर्ट एंड सोल मीन्स पूरी तरह से मीन्स वही तो पूरा तन्मय हो जाएगा, ठीक है, तो आपका देखिए, ही डज द टीचिंग वर्क, आप देखिए डज का प्रयोग क्यों किए, डू मीन्स होता है करना, आप एक करते हैं मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो आप ही डज, तो ही डू था, डू मीन्स करना हो गया, अब उसमें ईएस लगा देंगे, तो ईएस लगा दिए, तो हमने उसका ईएस फॉर्म बनाए हुए, यहां डू का ईएस फॉर्म लगा हुआ है, यहां डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं प्रयोग हुआ है, ये डू मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है, और मेन वर्ब में हमने ईएस लगा दिए हुए हैं, तो सिंपल्स हो गया, ही डज द टीचिंग वर्क विथ हर्ट एंड सोल, वह टीचिंग वर्क को करते हैं विथ हर्ट एंड सोल मीन्स पूरे तन्मय के साथ, पूरी तरह से वह शिक्षा के काम करते हैं, तो सिंपल्स हो गया, ही डज द टीचिंग वर्क विथ हर्ट एंड सोल हो गया, तो प्याची ये आपका दूसरे पैसेज का इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया, माय इंग्लिश टीचर इज एन आइडियल टीचर, ही टीचेस द स्टूडेंट्स विथ ग्रेट डिवोशन, He is a very self-disciplined, dutiful and laborious. He does the teaching work with heart and soul. वह पूरी तन्मय के साथ पूरी तरह से शिक्षा का काम करते हैं। ये प्याची आपका दूसरा पैसेज था, 2017 में आया हुआ पैसेज का आपने इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दिए। आगे बढ़ते हैं, आगे तीसरे पैसेज की तरफ बढ़ते हैं, पांच पैसेज आपको कराएंगे और बेहतरीन ढंग से आपको सारे कॉन्सेप्ट दे देंगे, जैसे आपकी बोर्ड परीक्षा में आते हैं। अब चलो पैसेज नंबर 3 में चलते हैं, अब देखिए यहां पर पैसेज नंबर आपको 3 दिख रहा होगा, ये 2018 का यूपी बोर्ड में आया हुआ पैसेज है, और प्याची इस पैसेज पे चलने से पहले फिर कहेंगे, जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और क्लास 9-10 खास करके क्लास 10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर करोगे, जो बच्चे बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उन हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर करोगे, बार बार कहते हैं खास करके ग्रामीण क्षेत्र के उन बच्चों तक वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करना जो कोचिंग स्कूल नहीं जा पाते हैं, जिन बच्चों की इसकी अत्यधिक आवश्यकता है उन हर एक बच्चे तक आपको क्लास को पहुंचाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब देखिए तीसरा पैसेज है आपका 2018 का आया हुआ, राम ने अपने पिता के वचनों का परिपालन किया, परिपालन मींस होता है निभाना, तो क्या हो जाएगा, राम केप्ट द प्रॉमिस ऑफ हिज फादर, अब केप्ट, अब राम ने अपने पिता के वचनों का परिपालन किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस,
पास्ट इंडिफिनिट टेंस यहां हो गया, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में सेकेंड फॉर्म वर्ब की लगाएंगे, कीप मींस होता है पालन करना या फिर जो है किसी बात को मानना, कीप उसका सेकेंड फॉर्म केप्ट हो जाएगा। तो सिंपल हो गया, राम केप्ट द प्रॉमिस ऑफ हिज फादर, राम ने अपने पिता के वचनों को निभाया, मींस रखा, केप्ट मींस रखना, सेकेंड फॉर्म कीप का हो गया। तो राम केप्ट द प्रॉमिस, वादा को निभाए, ऑफ हिज फादर मींस अपने पिता के। अब आगे देखते हैं, आगे है, वह 14 वर्ष के वनवास के लिए तैयार हो गए, वह 14 वर्ष के वनवास के लिए तैयार हो गए। तो क्या हो जाएगा, वह तैयार हो गए थे वनवास के लिए, इसके लिए क्या हो जाएगा, He was ready, वह तैयार हो गए थे टू एग्जाइल, एग्जाइल मीन्स होता है वनवास, वह वनवास के लिए तैयार हो गए, कितने वर्षों के लिए, अब फार से उसको जोड़ दो, फार 14 years मीन्स 14 वर्षों के लिए, फार एक अनिश्चित समय था, मीन्स कोई निश्चित समय नहीं है तो फार का प्रयोग कर देंगे, फार 14 years। तो आपने सिंपल से कर दिया, He was ready, देखिए यहां पर लिखे हुए ही वॉज रेडी, वे रेडी हो गए थे, तैयार हो गए थे टू एग्जाइल मीन्स वनवास के लिए, फॉर 14 years मीन्स 14 वर्ष के लिए, वह 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए तैयार हो गए थे। ये पहलची आपने सिंपल से कर दिया, He was ready to exile for 14 years। आगे देखिए, सीता और लक्ष्मण ने कहा कि वह भी उनके साथ जाएंगे, अपेलची बात समझना, सीता एंड लक्ष्मण, सीता एंड लक्ष्मण मीन सीता और लक्ष्मण, टोल्ड दैट उनसे कहा, और टोल्ड दैट जैसे हमने कहा, हमने वाक को इनडायरेक्ट स्पीच में लेके चले गए। अब देखिए यहां पर लिखे भी होंगे, सीता एंड लक्ष्मण टोल्ड दैट, सीता और लक्ष्मण ने उनसे कहा, दैट दे वुड आल्सो गो विथ हिम, कि वे भी उनके साथ जाएंगे। आप ध्यान देना, दे वुड हमने की वे, वुड क्यों, क्योंकि पैसिव जो है, सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच में वाक को लिख रहे हैं, क्योंकि टोल्ड उधर की है, दैट लगा, इनडायरेक्ट स्पीच में लिख रहे हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में वुड जो है, सॉरी हाँ जो है, विल का वुड में चेंज हो जाता है, इसलिए हमने यहां पर वुड का प्रयोग किए हुए हैं। दे वुड आल्सो गो विथ हिम, उन्होंने कहा कि वे भी उनके साथ जाएंगे। तो सिंपल सा हो गया, सीता एंड लक्ष्मण टोल्ड दैट दे वुड आल्सो गो विथ हिम हो गया। आगे देखिए, आगे है आपका, राम लक्ष्मण और सीता जंगल को चल दिए। आप देखो, राम लक्ष्मण एंड सीता, तीनों को तो नाम लिख लिए, राम लक्ष्मण एंड सीता। अब उसके बाद देखिए, एंड सीता, सीता लेफ्ट मींस चल दिए, छोड़ दिए, फॉर फॉरेस्ट मींस जंगल के लिए, मींस जो है अपने घर को छोड़ करके जंगल के लिए चल दिए। तो सिंपल सा हो गया, राम लक्ष्मण एंड सीता लेफ्ट फॉर फॉरेस्ट मींस जंगल के लिए छोड़ करके चल दिए। तो सिंपल सा आपका ए आपका पैसेज था, राम ने अपने पिता के वचनों का परिपालन किया, वह 14 वर्ष के वनवास के लिए तैयार हो गए, सीता और लक्ष्मण ने वह भी उनके साथ ने कहा कि वह भी उनके साथ जाएंगे, राम लक्ष्मण और सीता जंगल को चल दिए। अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हमने आपको बता दिया, राम केप्ट द प्रॉमिस ऑफ हिज फादर, ही वॉज रेडी टू एग्जाइल फॉर 14 years, सीता एंड लक्ष्मण टोल्ड दैट दे वुड ऑल्सो गो विथ हिम, राम लक्ष्मण एंड सीता लेफ्ट फॉर फॉरेस्ट। इसी तरह से आपको ट्रांसलेशन करके इसी तरह से आपको लिखने हैं, और आपको इसे हिंदी वाला बोर्ड परीक्षा में नहीं लिखने हैं, हिंदी वाला तो आपका क्वेश्चन खुद ही दिया हुआ होगा पेपर में, तो उसे आपको नहीं लिखने हैं, केवल इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन आपको इस तरह से कर देने हैं। अब आगे बढ़ते हैं, चौथे पैसेज 2019 के आए हुए पैसेज पे चलते हैं, 2019 में जो आपका पैसेज आया हुआ है, हम लोग जल्दी से इस पे चलते हैं, 2019 के पैसेज पे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, 19 का पैसेज आपका है, ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है। तो भैया, ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है, हालांकि आजकल तो कुल ही बेईमान हो गए हैं, एक कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं है, ठीक है, और खास करके नेता लोग तो एकदम बेईमान होते हैं, ये तो किसी के नहीं है, ये तो अपने परिवार के नहीं होते हैं, तो बात छोड़ो, जनता का तो बतिया छोड़ो, ठीक है, कुछ तो ऐसे होते हैं अपने परिवार को छोड़ देते हैं, ठीक है, तो इसलिए इन लोग की भरोसा नहीं है। तो ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है। तो प्यार जो छोड़ता है मीन्स कौन सा आपको टेंस दिख रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिख रहा है, मीन्स यस या यस लगाने वाला हो जाएगा। तो ईमानदार व्यक्ति क्या हो जाएगा, द ऑनेस्ट मैन, ईमानदार व्यक्ति मीन्स द ऑनेस्ट मैन नेवर लिव्स मीन्स कभी नहीं छोड़ता है द पाथ ऑफ ट्रूथ मीन्स सच्चाई का मार्ग, पाथ मीन्स रास्ता, मार्ग ऑफ ट्रूथ मीन्स सच्चाई का। तो सिंपल हो गया, द ऑनेस्ट मैन नेवर लिव्स द पाथ ऑफ ट्रूथ, वही हमने लिखे हुए हैं, द ऑनेस्ट मैन नेवर लिव्स
लिव्स का प्रयोग क्यों किए, क्योंकि ऑनेस्ट मैन सिंगुलर है तो इसके लिए इसमें यस का प्रयोग होगा। लिव्स मीन्स छोड़ता है, दी पाथ ऑफ ट्रूथ मीन्स सच्चाई का मार्ग, मीन्स ईमानदार व्यक्ति कभी सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ता है। तो आपने देखा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपका वाक्य था, आपने आसानी से यस या यस लगा करके आपने इसे ट्रांसलेशन कर दिए। आगे देखो, वह परिश्रमी होता है, परिश्रमी मीन्स लेबोरियस कर सकते हो या इंडस्ट्रियस कर सकते हो, जो भी मन में आए उसे आप लिख सकते हो। तो वह परिश्रमी होता है मीन्स ही इज लेबोरियस, और या फिर ऐसे भी कर सकते हो ही इज इंडस्ट्रियस, तो दोनों में जो आपका मन कहे उसे लिख सकते हो। तो यहां पर हमने लिखे हुए ही इज इंडस्ट्रियस कि वह मेहनती होता है, हमने इंडस्ट्रियस लिखा है, आप लेबोरियस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे की लाइन देखिए, वह दूसरों का हिस्सा नहीं लेना चाहता। तो भैया ईमानदार व्यक्ति दूसरे का हिस्सा लेना नहीं चाहते हैं, आज तो कोई ईमानदार है ही नहीं है, तो इसलिए जो है भाई भाई का हथियार लेता है, बहन बहन का हथियार लेती है। तो भैया आजकल तो जमाना ही चेंज हो गया है। तो वह दूसरों का हिस्सा लेना नहीं चाहता, तो क्या हो जाएगा, ही नेवर वांट्स, चाहता अभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। प्रेजेंट इंडिफिनिट इसीलिए हमने बताया था जब आपको ट्रांसलेशन पढ़ाए, ढाई घंटे की क्लास से पूरा ट्रांसलेशन कवर किए थे, हमने कहे हुए थे जो ट्रांसलेशन आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं 80% प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट में होते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट में 80% ट्रांसलेशन होते हैं, और कुछ आपके इज एम आर के प्रयोग पे हो जाते हैं, इज एम आर वाज वर के प्रयोग पे, हैज हैव हैड के प्रयोग पे कुछ हो जाते हैं, यही में पूरा ट्रांसलेशन आपका 9th-10th का कंप्लीट हो जाता है। क्लास 11th-12th का थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन आपका 9th-10th का एकदम इजी वे वाला होता है। अब देखो वो ये तो हो गया, वह दूसरों का हिस्सा नहीं लेना चाहता, तो इसका क्या हो जाएगा, ही नेवर वांट्स, कभी नहीं चाहता, टू हैव मींस लेना, अदर्स शेयर मींस दूसरे के जो है शेयर को, दूसरे के हिस्से को, शेयर मींस हिस्सा, तो दूसरे के हिस्से को वह कभी लेना नहीं चाहता। यही देखिए लिखी हुई, ही नेवर वांट्स, कभी नहीं चाहता टू हैव अदर्स शेयर, दूसरे के हिस्से को लेना, तो वह कभी भी दूसरे के हिस्से को लेना नहीं चाहता। आगे देखो, वह सादा जीवन उच्च विचार पसंद करता है, तो पर्याय क्या हो जाएगा, वह सादा जीवन उच्च विचार पसंद करता है, तो सादा जीवन उच्च विचार मीन्स क्या हो जाएगा, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग मीन्स साधारण जो है जीना, एंड हाई थिंकिंग मीन्स उच्च विचार, तो पसंद करना के क्या हो जाएगा, करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो ही लाइक्स, अब ही सिंगुलर था, सिंगुलर के साथ हम यस या यस का प्रयोग करेंगे ना, ही लाइक्स, वह क्या पसंद करता है कि सिंपल जीवन, सादा जीवन उच्च विचार, ही लाइक्स सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, वही लिख दिए होंगे, ही लाइक्स सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, आपका पैसेज कंप्लीट हुआ। आपने देखा इससे इजी, इससे आसान वे और नहीं हो सकता है ट्रांसलेशन का, इससे इजी ट्रांसलेशन नहीं हो सकता है। 9-10 का मीन्स दसवीं का जो बोर्ड परीक्षा का ट्रांसलेशन होता है बहुत ही इजी होता है, केवल आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो भैया आपका क्या हो गया, सिंपल सा आपने चेंज कर दिए इसे, द ऑनेस्ट मैन नेवर स्लिप्स द पाथ ऑफ ट्रूथ, ही इज इंडस्ट्रियस, ही नेवर वांट्स टू हैव अदर्स शेयर, ही लाइक्स सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो प्यारे ए आपका चौथा पैसेज भी कंप्लीट हुआ, 2019 के यूपी बोर्ड के जो है पेपर में ए आया हुआ सेट का, एस सेट इसमें भी, इसमें अलग अलग सेट होते हैं, किसी सेट का आया हुआ ए आपका पैसेज था। आगे चलते हैं आज की क्लास के अंतिम पैसेज पे चर्चा करते हैं, आपका पांचवा पैसेज पे आपसे 2020 के यूपी बोर्ड के परीक्षा में ये पैसेज आपका आया हुआ पैसेज है। अब भैया इस पैसेज को जरा हम लोग देख लेते हैं, अंतिम पैसेज आज की क्लास का, एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय और सच्चाई का, इसके पथ का अनुसरण करता है, करता है, तो यहां पर भी कौन सा टेंस आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहां पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार व्यक्ति मीन्स एन ऑनेस्ट मैन, और हमेशा करता है मीन्स ऑलवेज हो जाएगा, ऑलवेज फॉलो, एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज फॉलो द वेज ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ, मीन्स रास्ते को, सच्चाई और न्याय के रास्ते को वह क्या करता है, फॉलो करता है। वही बात देखिए लिखी हुई है, एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज फॉलो द वे ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ, मीन्स रास्ते को, वे ऑफ मीन्स रास्ते को, जस्टिस मीन्स न्याय, एंड ट्रूथ मीन्स सत्य, न्याय और सत्य के मार्ग को वह हमेशा अनुसरण करता है। आगे देखो, वह कभी किसी को धोखा नहीं देता है,
देता है अभी भी प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस, तो ही नेवर वह कभी नहीं, धोखा देने को डिसीव बोलते हैं, तो ही नेवर डिसीव्स, यस लग जाएगा, ही नेवर डिसीव्स एनीवन मींस किसी को भी नहीं, तो वहां पर देख लिखे हुए होंगे ही नेवर डिसीव्स, वह कभी धोखा नहीं देता है एनीवन मींस किसी को भी, वह किसी को भी कभी धोखा नहीं देता है, तो सिंपल से कर दिया आपने ही नेवर डिसीव्स एनीवन मींस वह कभी किसी को धोखा नहीं देता। आगे है ईमानदारी सच्चे सुख और सुख व शांति का स्रोत है, तो भैया ऑनेस्टी जो होते हैं ईमानदारी मींस ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज सोर्स, ऑनेस्टी सोर्स मींस स्रोत है ऑफ ट्रूथ ट्रू हैप्पीनेस मींस सच्ची खुशी का एंड पीस शांति का, सच्ची खुशी और शांति का ईमानदारी क्या है स्रोत है, तो ऑनेस्टी इज द सोर्स, ऑनेस्टी सोर्स है ऑफ ट्रू हैप्पीनेस एंड पीस, यही पर देखिए यहां पर लिखे हुए हैं ऑनेस्टी इज द सोर्स ऑफ ट्रू हैप्पीनेस एंड पीस मीन्स ऑनेस्टी स्रोत है मीन्स सोर्स मीन्स होता है स्रोत है आप ट्रू हैप्पीनेस मीन्स वास्तविक जो है प्रसन्नता का एंड पीस मीन्स शांति का, तो आपने इसे कर दिए। लास्ट लाइन देखिए उसके लिए ईमानदारी ही सबसे उत्तम नित है, तो उसके लिए ईमानदारी ही सबसे उत्तम नित है, क्या हो जाएगा उसके लिए मीन्स फॉर हिम, तो ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है, इसका क्या होता है आप idioms होता है phrase होता है आप इसे जानते हो, honesty is the best policy means ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ये आपकी phrase होती है। अब वही लाइन लिख दो honesty is the best policy, honesty is the best policy for him, उसके लिए के लिए आपने for him लगा दिया, तो आपने लिखा honesty is the best policy, ऑनेस्टी एक अच्छी नीति है फॉर ही मीन्स उसके लिए ऑनेस्टी एक अच्छी नीति होती है, तो आपने सिंपल से कर दिया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी फॉर हिम, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी आपका पहले से जानते थे इडियम्स फ्रेज है मीन्स ईमानदारी अच्छी नीति होती है, तो आप ये बचपन से जानते हो कहावत आपने सुना होगा, उसी को आपने फॉर हिम जोड़ दिया मीन्स उसके लिए। तो प्यारे सिंपल सा आपने ये जो पैसेज है, एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय और सच्चाई का पथ अनुसरण करता है, वह कभी किसी को धोखा नहीं देता, ईमानदारी सच्चे सुख और शांति का स्रोत है, उसके लिए ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है, इसको ट्रांसलेट कर दिया आपने, एंड ऑनेस्ट मैन ऑलवेज फॉलोज द वे ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ, ही नेवर डिसीव्स एनीवन, ऑनेस्टी इज अ सोर्स ऑफ ट्रू हैप्पीनेस एंड पीस, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी फॉर हिम। तो प्यारे हमने 5 पैसेज आपको करा दिए जो आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, जो आपके बोर्ड परीक्षा में आए हुए थे, हमने 5 पैसेज आपको करा दिए हुए हैं, बाकी आप जितना पैसेज दिया हुआ है सारे पैसेज को करने की कोशिश करिएगा, सॉल्व करिएगा, उसके बाद ही एग्जाम में जाइएगा, और इसी तरह से आपके बोर्ड परीक्षा में आसान से सभी पैसेज होंगे, बस आपको ध्यान से पढ़ने हैं, वर्ड मीनिंग जो थोड़ा सा आपको तैयार करना होगा जिससे आप आसानी से उस वर्ड की मीनिंग समझ सकते हैं और लिख सकें उसका इंग्लिश वर्ड मीनिंग। तो प्यारे ये आज की क्लास हो गई, अब कल एक नई टॉपिक शुरू करेंगे, कल जो है देखते हैं आपका ग्रामर का रीडिंग और राइटिंग सेक्शन शुरू करते हैं, क्योंकि आपका मूल ग्रामर पूरी तरह से आज कंप्लीट हुआ, आज इस क्लास के साथ जो आपका मूल ग्रामर था मूल ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट हुआ, अब आपका रीडिंग और राइटिंग सेक्शन है, अब कल से आपका रीडिंग और राइटिंग सेक्शन लेकर के चलेंगे। तो प्यारे आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल जो है कल सुबह की क्लास से मिलते हैं, तब तक जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और ये आपकी जिम्मेदारी है क्लास 9-10 की हर एक बच्चे तक आपको वीडियो को शेयर करना है प्यारे, खास करके जो बच्चे बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उन हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि अब सारी क्लासें आपको इंपॉर्टेंट क्लासें मिलने वाली हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो प्यारे आज की क्लास इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करेंगे, और हाँ यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं जैसे नूचे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया उसी तरह से यूट्यूब पर सर्च करेंगे मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो प्यारे आज की क्लास एक बेहतरीन लाइन से समाप्त करते हैं, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो प्यारे आप अपने ऊपर विश्वास करिए कि आप कर सकते हैं, आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, आप अपने बोर्ड के टॉपर बन सकते हैं, आप अपने ऊपर विश्वास करिए, और विश्वास है तो अपनी काबिलियत पर यदि आपको विश्वास होगा तो आप मंजिल पर पहुंच जाओगे, मीन्स आप जो आपने टारगेट बनाया है उस टारगेट पर आप आसानी से पहुंच जाओगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ आज के सेशन की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं कल सुबह वाली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, लव यू ऑल प्यार बच्चों।